हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें समझना है कि सिंथेसिस कहते कैसे हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है कि किन्हीं दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाने को हम सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस में हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीन तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। तो सिंपल सेंटेंस बनाने की लगभग 8 विधियां हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने की 8 विधियां हैं। 8 विधियों में सबसे पहली विधि है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। पहली विधि कौन सी है, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी जारी या अपूर्ण कार्य को दर्शाता है। पास्ट पार्टिसिपल यह एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। परफेक्ट पार्टिसिपल यह किसी भी पूर्ण हुए हुए कार्य को दर्शाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सी जम्प्ड अप, सी रैन अवे। ये दो सेंटेंस है, हमें इन दोनों सेंटेंसों को एक ही सेंटेंस में लिखना है, यानी दोनों का मीनिंग एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाए, बात वही हो। लेकिन जैसे पहले सेंटेंस का मीनिंग है सी जम्प्ड अप, वह उछली, सी रैन अवे और वह भाग गई, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के अनुसार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है हमारी, जम्प्ड, तो जम्प में हमने आईएनजी जोड़ा, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। जम्पिंग अप सी रैन अवे, जम्पिंग अप सी रैन अवे, बात तो ये उछल करके वह भाग गई। सेम टू सेम हमने वही बात एक ही सेंटेंस में बोल दी है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टीना सॉ द पुलिस, टीना ने पुलिस को देखा, सी फ्लेड, वह भाग गई। तो किसे देख करके भागी, पुलिस को, तो पुलिस को देख करके टीना भाग गई, बात तो एक ही है। तो सीइंग द पुलिस टीना फ्लेड। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल देखिए, सी फाउंड हर पर्स, उसे उसका पर्स मिल गया, द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। अब इसमें जो लॉस्ट शब्द है ये पर्स को मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव अगर हम इसको बनाएंगे तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, पर्स को। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य करती है। तो ऐसे सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, इन दोनों का मतलब क्या था, सी फाउंड हर पर्स, उसे उसका पर्स मिल गया था, पर्स वाज लॉस्ट और पर्स खो गया था। अब सी फाउंड हर लॉस्ट पर्स, उसे उसका खोया हुआ पर्स मिल गया, बात तो एक ही है। अगला सेंटेंस लेते हैं, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वाज इंजर्ड, वह घायल था। अब इंजर्ड शब्द किसको मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को, तो हमने क्या बनाया सेंटेंस, आई सॉ एन इंजर्ड बॉय, मैंने एक घायल लड़के को देखा। दोनों सेंटेंसों की बात एक ही सेंटेंस में हमने बोल दिया। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल में देखिएगा, विजय टुक हिज ब्रेकफास्ट, विजय ने अपना नाश्ता किया, विजय वेंट टू स्कूल, और विजय स्कूल चला गया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल किससे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करके विजय वेंट टू स्कूल, विजय स्कूल गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, सी शट द डोर, उसने दरवाज़ा लगा लिया। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद या करके, सी शट द डोर, उसने दरवाज़ा लगा लिया। अब तीनों की बात करते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ यूज होगा जहाँ एक कार्य के चलते चलते दूसरा कार्य शुरू हो जाए, यानी दोनों के बीच में कोई गैप ना हो। परफेक्ट पार्टिसिपल वहाँ यूज होगा जहाँ एक कार्य के बाद में दूसरे कार्य को होने के लिए थोड़ा सा समय लगे, यानी गैप हो।
और पास्ट पार्टिसिपल जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, या फिर दूसरा एक और पहचान बता देता हूँ, पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसों में पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में दूसरे सेंटेंस में बात कही गई होगी, यानी वो दूसरे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होगा, ये इसकी पहचान हम बता सकते हैं।